हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे केशियो पर नागिन धुन बजाना। और ये इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा ही बजा सकता है इसको। तो पहले मैं आपको ट्यूटोरियल दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको नोटेशन के साथ बताऊँगा, जिससे आपको बहुत आसानी रहेगी सीखने में। तो मैं पहले इसको ट्यूटोरियल से बता देता हूँ। तो ये चालू होगा डी शार्प से। डी शार्प, ये चालू होगा डी शार्प से। तो पहले डी, फिर इसके बाद ई, एफ, फिर ए। एक बार और देख लीजिए स्लो में। अगर आपको यहाँ तक ठीक से पता चल गया तो बहुत बढ़िया, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार रिवर्स करके फिर से देख लीजिए। उसके आगे बाद में यहाँ से चालू होगा फिर से डी से। स्लो में देख लीजिए। इतना ही पार्ट है इसका, और ये बहुत ही आसान तरीके से बजा सकते हो आप। कोई भी बजा सकता है इसको आसान तरीके से। अब इसका पूरा पार्ट हम एक साथ बजा के देखते हैं। नागिन धुन को बजाना बहुत ही आसान तरीके से, आप या तो अपने मोबाइल पर, या तो केशियो, आपके पास कोई सा भी कीबोर्ड हो, केशियो ऑर्गन, या कोई सा भी केशियो का हो या किसी भी कंपनी का हो, उस पर आप आराम से आसान से तरीके से बजा सकते हैं। और अगर आपके पास कीबोर्ड ना हो तो आप मोबाइल पर वॉल्क बैंड ऐप है, उसको डाउनलोड करके आप उसमें आसान तरीके से सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।